हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। दोस्तों, और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। दोस्तों, अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप है उसे बहुत लोगों के रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए हमने वीडियो कोर्स में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, आपके सामने सिलेबस है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस देख सकते हैं, और अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैंने नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमने टाइटल दिया है अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड लाइंस, और हमने ये भी लिखा है कि ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेंड लाइंस, यानी कि आज की वीडियो में हम खाली ट्रेंड लाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि खाली ट्रेंड लाइंस अगर आपको ड्रॉ करने को आते हैं तो आप खाली ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करके भी किस तरह से ट्रेडिंग कर पाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कभी कभी सवाल आते हैं कि ट्रेंड लाइंस किस तरह से ड्रॉ करें, क्योंकि जनरली हम जब भी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइंस के सहारे हम चार्ट पे जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते रहते हैं उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने सही सही ट्रेंड लाइन बनाई तो हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही सही हमें चार्ट पे मिल जाएंगे, लेकिन मान लीजिए हम गलत तरीके से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके जरिए हमें मिल जाएंगे वो भी गलत ही मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली जब भी गलत ट्रेड सेटअप के साथ हम ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होने की संभावना ज्यादा रहती है, स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन जब भी हम ट्रेंड लाइन सही सही चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो हमें एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, और जब भी हम एक्यूरेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा टारगेट हिट होने की संभावना ज्यादा रहती है, और जो हमारा सक्सेस रेट रहता है वो भी उसमें भी सुधार आ जाता है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि ट्रेंड लाइंस किस तरह से ड्रॉ करें, तो उनका जो सवाल था उसको कंसिडर करते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है। ये वीडियो में हम देखेंगे कि खाली ट्रेंड लाइंस का सहारा लेकर भी हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं कि जिसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है और अगर आपको मेरे थ्रू जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है और मुझसे जुड़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। उसी के साथ जो भी हमने स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स अपलोड करके रखे है अमेजोन पे, उसमें भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस किए, तो उसका भी सहारा लेकर आपके नॉलेज में गेन कर सकते हैं, और उसी के साथ जो यूडेमी पे हमारे वीडियो कोर्सेस है उसका भी आप फायदा ले सकते हैं।
अगर उससे भी अलग आपको एक हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो वर्कशॉप है, उसे भी ज्वाइन होना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां पे हम कंटिन्यू बेसिस पे लर्निंग करते जाएंगे। लेकिन जो भी हम सोर्सेस आपको प्रोवाइड करेंगे वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज ही होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्ट अभी चार्ट ओपन करता हूँ और चार्ट के जरिए समझ लेने की कोशिश करते कि खाली ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करके हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेंड लाइंस हम बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइंस अगर आप सही सही ड्रॉ कर पाएंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि आपका ट्रेड का सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ट्रेंड लाइंस किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले हम कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करेंगे, उसके जरिए भी हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक के सहारे भी हम ट्रेंड लाइंस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद इसी चार्ट को मैं लाइन चार्ट में भी कन्वर्ट करूंगा और वहां पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रेंड लाइन जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो जनरली हम दो टाइप के ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रहेगी और एक हमारी स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन रहेगी। हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो चार्ट पे रहते हैं वो बता देगी, और जब भी हम स्लैंटिंग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो हमें जो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो आती रहती है स्टॉक के चार्ट के ऊपर, तो वहां पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते रहते हैं वो हमें बता देती है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि किस तरह से हम स्लैंटिंग ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके एक पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों, बेहतर समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे टाइटन का चार्ट लिया है। ये कैंडलस्टिक चार्ट और ये डेली चार्ट है। अभी ये चार्ट हमारे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ब्रेकआउट देकर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है, उसी वजह से मैंने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया है। तो फर्दर आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे सॉफ्टवेयर में इस तरह का ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्लिक करूंगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करेगा तो वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाएगा। तो जब भी हमें पोजीशन बनानी हो तो हम स्टॉक को हायर बॉटम पे आने देने का वेट करेंगे, और जब भी स्टॉक हायर बॉटम पे आएगा तो हमारे लिए एक वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो बॉटम किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए तो वो पहचानने के लिए हम ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हैं। अभी ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक पे किस तरह से ड्रॉ करें, तो जनरली जो भी कैंडलस्टिक के लोज रहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लो जो भी लो बने थे मैं लोज को कनेक्ट करके इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो लोज मैक्सिमम टाइम पे मेरे ट्रेंड लाइन को हिट कर रहे हैं वहां पे मार्कआउट करूंगा। मैं थोड़ा ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है, कोई ट्रेडर्स ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ट्रेंड लाइन यानी कि मैक्सिमम कैंडल्स के लो हमारे ट्रेंड लाइन के पास आने चाहिए और वहां पे हमें इस तरह से दिखना चाहिए कि वहां पे आने के बाद स्टॉक में बाउंस बैक आ रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक लो पकड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर गया, नीचे आने के बाद इसके आसपास आने के बाद उसमें फिर रिवर्सल आ गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट हो गई। एग्जैक्टली यहाँ पे उसने एक लो पकड़ लिया और फिर से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, फिर उसने यहाँ पे एक लो पकड़ लिया और फिर से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। और जब भी स्टॉक इसको ब्रेक डाउन देकर नीचे आ गया तो आप देख सकते हैं कि वही ट्रेंड लाइन जो हमारे लिए सपोर्ट वर्कआउट हो रही थी, राइट, वही ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए जब भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद एज अ रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रही है। तो ये ट्रेंड लाइन जब भी हमने अच्छी तरह से ड्रॉ की तो आप देख सकते हैं कि वही ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट जैसे भी वर्कआउट हो रही थी जब स्टॉक हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर था। और जब भी स्टॉक का चार्ट यानी कि कैंडलस्टिक हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए तो वही ट्रेंड लाइन हमारे लिए फिर रेजिस्टेंस बन गए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक बार हिट किया नीचे आ गया, फिर यहाँ पे भी एक बार हिट किया फिर नीचे आ गया, राइट। तो इस तरह से होते रहते हैं कि जब भी हम परफेक्टली ड्रॉ कर पाते हैं ट्रेंड लाइन को तो वही ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्कआउट होती है। और जब भी कोई स्टॉक ऊपर से नीचे ट्रेंड लाइन के पास आता है तो वहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और जब भी स्टॉक नीचे से ऊपर जाता है और ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है तो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। अब ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ हम यहाँ पे डेली चार्ट पे कर रहे हैं, लेकिन आप इंटर जो यानी कि हम इंटरडे के जो चार्ट ओपन करते हैं जैसे कि 5 मिनट का रहेगा, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 1 आवर का, तो वो भी टाइम फ्रेम पे अगर आप अच्छी तरह से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर पाते तो वहां पे भी ये ट्रेंड लाइंस उसी तरह से वर्कआउट होंगे, क्योंकि बेसिकली वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्कआउट करके देते हैं। और मैक्सिमम ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड करते रहते हैं क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल रहता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंडलस्टिक ने यहाँ पे हिट करके हमें बता दिया कि उसने सपोर्ट को हिट किया है और ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिया है। यहाँ पे अगर आप ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे तो ये कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो
रिस्क आपकी बहुत ही कम हो रही है यहाँ पे, लेकिन रिवॉर्ड आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, लॉस मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि आप सपोर्ट के आसपास पोजीशन बना रहे हैं, और आप देखेंगे तो स्टॉक में अच्छी खासी वहां पे मूवमेंट भी आ जाती है, क्योंकि सपोर्ट पे रिवर्सल बहुत ही मैक्सिमम टाइम पे बनते रहते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है हमने ड्रॉ की, उसके जरिए हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किया, उसके जरिए हमें ट्रेड करना है तो वो भी किस तरह से करते हैं वो भी बता दिया, और उसके जरिए हम रिस्क मैनेजमेंट, लॉस मैनेजमेंट और हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी ट्रेड का जो रहता है उसे किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं वो भी देख लिया। अभी ये थोड़ा मैंने बैक टेस्टिंग करके आपको बता दिया। अभी करंट सिनेरियो का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी किस तरह से बन गया है देख लीजिए। यहाँ पे गैप अप गैप डाउन बहुत सारे हुए थे, लेकिन जो भी यहाँ पे इस तरह से दायरा बन गया था, ये दायरे को पकड़कर मैं मान लीजिए इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन जो भी मैंने अभी बनाई है एग्जैक्टली यहाँ पे ये बड़ी वाली कैंडल ने सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंस लिया था। आप देख सकते हैं ये कैंडल ने वहां पे हाई बनाया था यानी कि रेजिस्टेंस लिया था, इसने भी रेजिस्टेंस लिया, इसने भी रेजिस्टेंस लिया, और ये जो बड़ी वाली कैंडल थी इसने भी रेजिस्टेंस लिया था, और उसके बाद ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे में ऊपर तो गई, क्लोजिंग उसकी थोड़ी नीचे हुई, लेकिन उसने भी हमारे ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट फॉलो किया। और आज की जो कैंडलस्टिक बन रही है आज के दिन के ऊपर, आप डेट भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये आज के दिन की कैंडलस्टिक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वहां पे ही सपोर्ट लेकर अच्छी तरह से ऊपर ट्रेड कर रही है। अभी इसमें हमें ट्रेड करना तो हम किस तरह से करेंगे, अभी मान लीजिए ये जो कैंडल है ये कैंडल के हाई के ऊपर जब भी वो ट्रेड करने लगेगा तो इसमें एक मोमेंटम बनेगा, ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो मोमेंटम बनेगा, इसके लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जब भी वो ऊपर जाएगा तो हमें फिर टारगेट का भी आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। तो टारगेट का भी आइडेंटिफिकेशन यानी कि रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन भी हम ट्रेंड लाइन के सहारे कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन आ गया। अभी जहां से गैप बन गया था आप देख सकते हैं यहाँ से गैप बनना शुरू हो गया था यहाँ तक, तो ये जो गैप जहां से बना था ना वो भी बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे वर्कआउट होते रहते हैं, तो जैसे कि हम गैप को भी अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाता है। अभी जैसे कि अगर आपको पता होगा हमने गैप के ऊपर भी वीडियो बनाया था दोस्तों, अगर आपको पता नहीं होगा कि गैप्स क्या रहते हैं और उसमें ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, तो मैं ये वीडियो के एंड में उसका भी थंबनेल डाल दूंगा, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, गैप्स के बारे में हमने बताया है, उसमें अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है कि गैप्स क्या रहते हैं और उसका सहारा लेकर हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और गैप क्यों फील होते हैं, फील अगर होंगे तो किस तरह से होंगे, कहाँ तक होंगे, वो भी इन्फॉर्मेशन वहां पे बताई है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप बना था, और गैप के बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक इस तरह से ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे इसने थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज आउट दिया था, अभी ये ट्रेंड लाइन में प्राइस एक्शन आ रहा है, मान लीजिए इसके हाई के ऊपर जाता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा ये जो कैंडल का लो था, यानी कि जहां से गैप पूरा बना था ये कैंडल का लो जो है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। यानी कि क्या हो रहा है कि ये जो गैप बना था अब ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जाएगा और ये रेजिस्टेंस तक वो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस तक जाने के बाद अगर उसमें रिवर्सल आता है तो वो नीचे आएगा, लेकिन मान लीजिए ये गैप को वो फिल करता है और उसको ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे लिए टारगेट्स के दायरे और भी बढ़ जाते हैं, और मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाता है। यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्कआउट होगी। जैसे कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो भी हमने ड्रॉ किया आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडल सपोर्ट ले रहे थे, राइट। तो इस तरह से होते रहता है, तो खाली ट्रेंड लाइंस हमें ड्रॉ करने हैं, आप स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, और देखने की कोशिश कीजिए कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से कहाँ पे ट्रेड बन रहा है, और जहां पे भी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने लाइव बेसिस पे यहाँ पे टाइटन का भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के बारे में भी आपको समझा सकूँ और उसी के साथ लाइव बेसिस पे आपके साथ एक स्टॉक भी डिस्कस कर सको। तो यहाँ पे अभी मुझे टाइटन ने अच्छी तरह से सिनेरियो में मिला है, इसलिए मैंने टाइटन का एग्जांपल लिया है, तो मैंने आपको बताया भी है कि इसमें ट्रेड किस तरह से करना है, तो ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, ये कैंडल के लो के नीचे जाता है तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है, पहला टारगेट रहेगा हमारा ये, क्योंकि ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक जाएगा इसलिए ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, और इसे ब्रेकआउट देगा तो फिर जो भी हमारा अगला रेजिस्टेंस जो भी हमने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ड्रॉ किया है उसके साथ, तो वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे हम मे बी पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिमेनिंग क्वांटिटी भी बुक कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये स्टॉक का एनालिसिस भी बता दिया है, आप इससे थोड़ा ट्रैक कीजिए और देख लीजिए कि ये स्टॉक यहाँ तक आता है क्या नहीं। तो यहाँ पे जनरली हमने देख लिया कि खाली ट्रेंड लाइन्स का सहारा लेकर भी हम
किस तरह से अच्छी तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी ये मैंने कैंडलस्टिक के जरिए बताने की कोशिश की है, अभी थोड़ा एक 2 मिनट में इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और लाइन चार्ट के जरिए हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट ड्रॉ किया, अभी लाइन चार्ट के जरिए मैं अभी ये लेटेस्ट सिनेरियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लाइन चार्ट में हम किस तरह से करेंगे, अभी लाइन चार्ट क्लोजिंग बेसिस पे प्रिपेयर होते रहता है। यहाँ पे जो भी क्लोजिंग पॉइंट है यहाँ पे मैं इस तरह से लाइन मार्कआउट करूंगा, राइट। मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्कआउट कर दी और यहाँ पे एक मैंने इस तरह से लाइन मार्कआउट कर दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अपवर्ड स्लैंटिंग चैनल रहता है, उस तरह से भी दिख रहा है और थोड़ा ट्रायंगुलर जैसा भी दिख रहा है, थोड़ा इस तरह से दिख रहा है, लेकिन पैटर्न कौन सा दिख रहा है उसे कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। खाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वो हमारे लिए सफिशियंट हो जाता है, क्योंकि जो पैटर्न्स रहते हैं वो ट्रेंड लाइंस को मिलाकर ही बनते रहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा तो फ्लैग पैटर्न किस तरह से बनता है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन रहेगी, ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन रहेगी और एक वर्टिकल रैली रहती है, इससे बाहर जाएगा तो हम फ्लैग जैसा दिखता है, इसलिए हम उसे फ्लैग ब्रेकआउट कहते हैं। अभी राउंडिंग बॉटम का किस तरह से रहेगा, इस तरह से कैंडल्स बनेंगे लेकिन ऊपर हमारी एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ही रहेगी, उसको ब्रेकआउट मिलेगा तो ही उसमें फिर प्राइस एक्शन आएगा। ट्रायंगुलर पैटर्न में किस तरह से रहता है, ऊपर एक ट्रेंड लाइन रहती है, नीचे एक ट्रेंड लाइन रहती है, उसको ब्रेकआउट मिलता है तो प्राइस एक्शन आता है। यानी कि जनरली जो पैटर्न्स बनते रहते हैं वो ट्रेंड लाइंस को मिलाकर ही बनते रहते हैं, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको पैटर्न समझ में नहीं आते तो आप खाली ट्रेंड लाइंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ऑटोमेटिक उसमें पैटर्न भी आएगा और ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड भी सक्सेस होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला है, ये क्लोजिंग बेसिस पे चार्ट है तो क्लोजिंग बेसिस पे इसको ब्रेकआउट मिला है और लाइन चार्ट के हिसाब से वो बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेड भी कर रहा है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से मूवमेंट आ रही है लाइन चार्ट के हिसाब से भी। अब यहाँ पे जैसे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, उसी तरह से आप मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे भी हमें खाली जो लोएस्ट पॉइंट से लाइन चार्ट के ऊपर उसे मिलाकर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसने हिट किया था, यहाँ पे हिट किया था, यहाँ पे हिट किया था, यहाँ पे हिट किया था, राइट। और नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे भी थोड़ा व्हिपसॉ मूव देके नीचे आया था। तो इस तरह से कैंडल स्टिक का सहारा लेकर, यानी कि कैंडल स्टिक चार्ट का सहारा लेकर या तो लाइन चार्ट का सहारा लेकर हम अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन का भी इंपॉर्टेंस आपको बता दिया, ट्रेडिंग भी किस तरह से करना है वो भी बता दिया, और गैप्स का भी जो किस तरह से बनते रहता है और उसका भी इस्तेमाल करके हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं वो भी बताने की कोशिश की। उसका रिस्पेक्टिव वीडियो एक सेपरेट मैंने बनाया है, उसकी लिंक मैं ये वीडियो के एंड में थंबनेल में डाल देता हूँ, वहां से आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अभी हमने ये लाइव चार्ट पे किया है तो थोड़ा डिस्क्लेमर बताना भी जरूरी है। तो एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।